हनीप्रीत निकली सीबीआई की एजेंट। हनीप्रीत ने खोले बाबा के राज। हनीप्रीत ने दिया बाबा को धोखा। सीबीआई की हनी ट्रैप में फंसा बाबा। आज का वायरल गुरमीत राम रहीम की चेली हनीप्रीत से जुड़ी हुई एक सनसनीखेज खबर है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि हनीप्रीत एक सीबीआई एजेंट है, जिसकी वजह से ही गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बलात्कारी बाबा का सारा कच्चा चिट्ठा हनीप्रीत को मालूम था, उसे उसकी काली करतूतों की पूरी जानकारी थी। सीबीआई को इस केस में सफलता इसलिए मिली क्योंकि हनीप्रीत ने ये सारी जानकारी सीबीआई को दे दी। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हनीप्रीत डेरे में रहकर गुरमीत राम रहीम की जासूसी करती थी, रात के अंधेरे में सारी जानकारी सीबीआई तक पहुंचाती थी। आज गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे है, तो इसके पीछे वजह भी हनीप्रीत ही है, जिसने सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को मुहैया कराए हैं। तो क्या बलात्कारी बाबा की सबसे चहेती चेली हनीप्रीत बेवफा निकली? क्या उसने राम रहीम को धोखा दिया? क्या वो वाकई सीबीआई की एजेंट है? इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे। उससे दांत खट्टे कर देना। बच्चों, इस मुहावरे का मतलब बताओ। हाँ बताओ। इस मुहावरे का मतलब है कि दांतों में नींबू लगा देना। हाँ बताओ। इस मुहावरे का अर्थ है किसी को हरा देना, जैसे कि पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट ने सारे विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट के दांत खट्टे कर दिए। सर, इसीलिए पतंजलि दंत कांति बन गया है करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट, जिसमें है लौंग, अकरकरा, नीम, टुमरू, बबूल, गोलशीरी जैसे लाभकारी जड़ी बूटियां, दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। सोशल मीडिया पर किस तरह के दावे किए जा रहे हैं? सोशल मीडिया में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है कि हनीप्रीत सीबीआई की एजेंट है, जिसने सीबीआई के साथ मिलकर बाबा को फंसाया है। हनीप्रीत वही महिला है जिसकी याद में राम रहीम जेल के अंदर आंसू बहाता है। उसकी याद में चीखता है और उसे अपने पास बुलाने की मिन्नतें करता है। वायरल खबरों की माने तो हनीप्रीत डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम की मोबोली बेटी जरूर थी, लेकिन हनीप्रीत सीबीआई की एजेंट थी। दावा ये कि 2009 से ही राम रहीम की जासूसी कर रही थी, वो लगातार सीबीआई के अधिकारियों के संपर्क में थी। ये भी कहा जा रहा है कि राम रहीम के खिलाफ सीबीआई के पास जितने भी दस्तावेज और सबूत हैं, उन्हें हनीप्रीत ने ही मुहैया करवाए। सोशल मीडिया पर यह भी बताया जा रहा है कि राम रहीम के शोषण से हनीप्रीत परेशान थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। न्यूज वेबसाइट्स पर ऐसी खबरों की भरमार है जिसमें हनीप्रीत के सीबीआई कनेक्शन की बात की जा रही है, लेकिन व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल है जिसमें लिखा है, जिस दिन हनीप्रीत बाबा के साथ कोर्ट में हेलीकॉप्टर में बैठकर गई, उस समय ही मुझे शक हो गया था कि यह महिला सीबीआई की या तो ऑफिसर है या सीबीआई को बाबा की जानकारी देने का काम कर रही है। हनीप्रीत के कहने पर बाबा कोर्ट आया था और उसके जेल पहुंचने तक उसको प्यार के जाल में फंसा कर रखा। बाबा के जेल जाने के बाद उसको गायब कर दिया गया। गुमनाम पत्र के सहारे बाबा जेल नहीं जा सकता था। मुझे लगता है कि 2009 से ये लड़की बाबा की सारी गतिविधियों की जानकारी सीबीआई को बताती रही है, जिसके कारण ये केस सफल हुआ। हनीप्रीत के बारे में किए जा रहे दावे हैरान करने वाले हैं। डेरे के ही लोग बताते हैं कि बाबा के साम्राज्य में हनीप्रीत की हैसियत किसी मालिक से कम नहीं थी। बाबा राम रहीम के बाद पूरे डेरे में हनीप्रीत का ही सिक्का चलता था। हनीप्रीत के सीबीआई एजेंट होने और राम रहीम की जासूसी करने की बात से सभी लोग तंग हैं। इस खबर की पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। नीतू कुमारी ने लिखा, इस लड़की ने बाबा को कहीं का नहीं छोड़ा, फिर भी बाबा जेल में हनीप्रीत को याद कर रहा है। जब ऊपर वाला सजा देता है तो सबसे पहले मती मारी जाती है। तो सवाल है,
तुषार राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत सीबीआई की एजेंट है। क्या हनीप्रीत राम रहीम की जासूसी करती थी? क्या हनीप्रीत सीबीआई अधिकारियों से मिलती थी? क्या सीबीआई की चाल में राम रहीम फंस गया? क्या है हनीप्रीत के सीबीआई एजेंट होने का सच? हरियाणा पुलिस हिंसा भड़काने और गुरमीत राम रहीम को भगा ले जाने की साजिश रचने के आरोप में इस वक्त हनीप्रीत को खोज रही है। हनीप्रीत के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। उसके देश से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में इस वायरल खबर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। वायरल खबर के मुताबिक कई सीबीआई के अधिकारी हनीप्रीत के संपर्क में थे। अगर यह दावा सही है तो हनीप्रीत कानून से छिपती नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आकर यह कबूल करती कि वो राम रहीम के साथ एक मिशन के तहत डेरे में थी। लेकिन हनीप्रीत लापता है। कानून की नजरों में वो एक आरोपी बन चुकी है। अगर वो पकड़ी जाती है तो वो भी राम रहीम की तरह जेल की हवा खाएगी। ऐसे में दिनों दिन हनीप्रीत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमने वायरल खबर की पड़ताल करने के लिए सीधा चंडीगढ़ का रुख किया और यहाँ से जो हमें जानकारी मिली वो निश्चित ही हैरान करने वाली थी। जब से हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है तब से हनीप्रीत का कोई अता पता नहीं है। पुलिस को शक है कि हनीप्रीत देश छोड़ के भागने की फिराक में है, इसीलिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और देश के तमाम हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और प्रमुख स्थानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ साजिश रचने के अलग अलग मामले भी दर्ज किए गए हैं, पर इसी बीच ये शक भी पैदा होता है कि कहीं हनीप्रीत सीबीआई एजेंट तो नहीं। वायरल खबर के दावे में कई लूपहोल्स हैं। अगर हनीप्रीत सीबीआई की एजेंट है तो सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसे एक गवाह के तौर पर पेश किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हनीप्रीत लगातार राम रहीम को बेकसूर बताती रही। अगर हनीप्रीत एक सीबीआई एजेंट होती तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं होता। उसके खिलाफ हिंसा भड़काने और गुरमीत राम रहीम को भगा ले जाने की साजिश रचने का आरोप नहीं लगता। उसके ऊपर देशद्रोह जैसे संगीन मामले दर्ज नहीं होते। हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ नहीं रही होती। अगर हनीप्रीत सीबीआई एजेंट होती तो देशद्रोह के मामले को अपने ऊपर आने नहीं देती। ये भी यकीन करने वाली बात नहीं है कि एक सीबीआई एजेंट अपनी करतूतों से आरोपी बन जाए, बल्कि हकीकत सच्चाई ये है कि हनीप्रीत को ना सिर्फ हरियाणा पुलिस ढूंढ रही है बल्कि उसके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। हमने जब पुलिस अधिकारियों और अपने सीबीआई सूत्रों से बात की तो यह खबर पूरी तरह से अफवाह निकली। हनीप्रीत जब डेरे से जुड़ी तो तकरीबन 20 साल पहले का वो अरसा था जब उसने डेरे में पहली बार कदम रखा था। हनीप्रीत जब डेरे में आई तो राम रहीम के साथ उसकी तब से जुड़ाव था जब राम रहीम के खिलाफ कोई भी केस नहीं दर्ज था। खास तौर पे हनीप्रीत की तब उम्र उतनी भी नहीं थी कि वो सीबीआई की एजेंट बन सके। सबसे बड़ी बात, हनीप्रीत का डेरे में रसूख और हैसियत राम रहीम से कम नहीं थी। राम रहीम के कारण ही हनीप्रीत ने अपनी जिंदगी में उन ऊंचाइयों को पाया जो कभी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सो इसलिए सीबीआई एजेंट होने की खबर पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुई। ना हनीप्रीत, ना सीबीआई और ना ही हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को एक सीबीआई एजेंट बता रही है। हमारी तहकीकात में हनीप्रीत एक शातिर और गुरमीत राम रहीम जैसे क्रिमिनल की सहयोगी साबित हुई है, जिस पर न सिर्फ हिंसा भड़काने का बल्कि पुलिस के चंगुल से गुरमीत राम रहीम को भगा ले जाने की साजिश रचने का आरोप है। अगर हनीप्रीत सीबीआई एजेंट नहीं है तो सोशल मीडिया पर यह खबर, यह अफवाह क्यों फैलाई जा रही है कि हनीप्रीत एक सीबीआई एजेंट है? इंडिया टीवी ने तहकीकात शुरू की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। हनीप्रीत के बारे में सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें उड़ाई जा रही हैं, उसका रिश्ता राम रहीम के साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का मामला है और यही वजह है कि गुरमीत राम रहीम के परिवार और हनीप्रीत के बीच प्रॉपर्टी की लड़ाई को लेकर मामला भी दर्ज हो चुका है। ये गुरमीत राम रहीम जी कहीं देंगे भी नहीं, ये सिर्फ केयर टेकर बनाएंगे प्रॉपर्टी को या डेरे को देखने के लिए। तो उसमें उनकी कोशिश तो यही थी भी मैं हनीप्रीत को इसका केयर टेकर बनाऊँ, तो क्योंकि पिछले 8-9-10 साल से उसको सारा समझा भी रहे थे तो सारा काम देख भी रही थी। तो जो नया लोग आएंगे उनके बारे तो वो उसकी कुछ पता भी नहीं। पता है हनीप्रीत को और गुरमीत राम रहीम जी को भी कहाँ कहाँ क्या चीज़ है।
सोशल मीडिया पर हनीप्रीत के बारे में जितनी भी खबरें उड़ाई जा रही हैं, उसका रिश्ता राम रहीम के साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का मामला है। दरअसल गुरमीत राम रहीम के परिवार और हनीप्रीत के बीच प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन राम रहीम के जेल जाने के बाद पूरी सिचुएशन बदल गई है। अब बाबा के परिवार वाले हनीप्रीत को डेरे से दूर रखना चाहते हैं और राम रहीम के बेटे को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। अब डेरे की प्रॉपर्टी का ये विवाद सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। दरअसल दो पक्षों में दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ राम रहीम की पत्नी, बेटियां और बेटा शामिल है, तो दूसरी तरफ मोर्चा अकेले हनीप्रीत ने संभाला हुआ है। इन दोनों ग्रुपों के बीच में टसल दिखाई दे रही है डेरे की पूरी मलकियत और उत्तराधिकारी को लेके। पर इस बीच बड़ी बात यह है कि ना ही डेरे का कोई उत्तराधिकारी अभी तक लगाया गया है और ना ही संपत्ति के लिए किसी को आगे किया गया है जिसके नाम संपत्ति की जाएगी। डेरा सच्चा सौदा या पूज्य गुरुजी द्वारा उत्तराधिकारी घोषित करने के बारे में बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। आपने इससे बचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरा सच्चा सौदा ने हमेशा कानून का पालन किया है। डेरा सच्चा सौदा को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। आप सभी ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना है और किसी के भी बहकावे में या अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। हमारी तहकीकात में ये बात साबित हुई है कि हनीप्रीत ना तो एक सीबीआई एजेंट है, ना उसने बाबा को धोखा दिया है। हनीप्रीत वो शख्स है जो बाबा के हर गुनाहों की राजदार है, जिसने हर गुनाह में बाबा का साथ दिया है। हमारी तहकीकात से ये साबित हो गया कि हनीप्रीत के नाम को लेकर जो खबरें वायरल हो रही हैं, वो दरअसल राम रहीम की प्रॉपर्टी और डेरे के वारिस को लेकर चल रहे विवाद का नतीजा है।